नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे का सिटी सेंटर रीवा। मेरे साथ देखिए दिन भर रीवा में क्या घटा, क्या कुछ हुआ। हम प्रमाण के साथ बात करते हैं। सावरकर ने माफी मांगी थी, राहुल गांधी सच्चाई के साथ हैं, संसद से सड़क तक सच बोलते हैं। राहुल गांधी की बात गलत है तो भाजपा प्रमाण दे, कहा राज्यसभा सदस्य राजमणि पटेल ने। हम प्रमाण के साथ बात करते हैं, सावरकर ने माफी मांगी थी, राहुल गांधी सच्चाई के साथ हैं, संसद से सड़क तक सच बोलते हैं। राहुल गांधी की बात गलत हो तो भाजपा प्रमाण दे, कहा राज्यसभा सदस्य राजमणि पटेल ने। रीवा के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन्होंने ये पत्रकार वार्ता आयोजित की गई थी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, हम पटेल गांधी के अनुयायी हैं, हम हमेशा सच बोलते हैं। प्रमाण के साथ बात करते हैं, राहुल गांधी ने सावरकर को लेकर जो भी कहा है प्रमाण सहित कहा है, उन्हीं की चिट्ठी पढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत हो तो भारतीय जनता पार्टी प्रमाण पेश करे, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, जनता को बताए। राहुल गांधी सहित पूरी कांग्रेस पार्टी संसद से लेकर सड़क तक सच बोलती है, चली आई है और आगे भी सच बोलती रहेगी। राहुल गांधी की यात्रा से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, कुछ ऐसा कहना था राज्यसभा सदस्य राजमणि पटेल का रीवा के राजनिवास में पत्रकार वार्ता के दौरान। आइए आपको सुनाते हैं पत्रकार वार्ता में उन्होंने क्या कुछ कहा। आज जो है, आज की परिस्थिति में हमारा देश जो है, हमारे जो देश का नेतृत्व है, वो नेतृत्व पूरे समाज को गुमराह करके और इस देश के बहुसंख्यक किसान, मजदूर, दलित, वनवासी, इनके हकों और अधिकारों को लूटना चाहते हैं और इनके स्वाभिमान और सम्मान, जो सबसे बड़ी पूंजी इनकी होती है, जो राष्ट्र की पूंजी होती है, क्योंकि गरीब के मेहनत के आधार पर ही किसी भी देश के प्रगति और विकास का इतिहास लिखा जाता है, बुनियाद खड़ी होती है। और जब गरीब का विश्वास मजबूत होता है तभी राष्ट्र मजबूत होता है। उस ताकत की उपेक्षा करके चंद पूंजीपतियों को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है, गरीबों के मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उनके मनोबल को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है और सांप्रदायिकता की भावना से उनको बांटने का प्रयास किया जा रहा है, जो देश के भविष्य के लिए खतरा है। जहां संवैधानिक मूल्यों की बात खत्म हो जाए, प्रजातांत्रिक व्यवस्था खत्म हो जाए, जिस व्यवस्था के लिए हमारे देश के लाखों लाख लोगों ने कुर्बानी दिया था, वो व्यवस्था खत्म हो जाए तो फिर प्रजातंत्र का अस्तित्व क्या होगा और उस प्रजातंत्र में गरीब की भागीदारी कहाँ होगी, गरीब का स्वाभिमान और सम्मान कैसे बचेगा। ये सबसे बड़ी आज चुनौती हमारे देश के सामने खड़ी हो गई, जो सरकार के एक एक कार्यों से जो है आम आदमी भी अब माने परिचित होने लगा है। और ये तमाम मुद्दों को लेकर के जो नफरत फैल रही है, इस नफरत को कैसे कम किया जाए, कैसे लोगों के विश्वास को मजबूत किया जाए, इसी दिशा में आज राहुल गांधी जी जो बड़ी बड़ी पदयात्रा में निकले हैं, उसका संकल्प लिया है। और जिसकी शुरुआत माने मध्य प्रदेश में भी 23 तारीख से मध्य प्रदेश से भी शुरू होगी, एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम है। राहुल गांधी ने जो कदम उठाया है उससे निश्चित रूप से राजनीति का एक ध्रुवतारा बन करके जो है राहुल गांधी जी भरे हैं इस देश में और दुनिया के सामने। दिन भर की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।